अस्सलाम वालेकुम, सब खरीदे से होंगे। इंजन ओवरऑल किया जी, 1K प्रोडो का इंजन है। दिल चाहे आपसे शेयर करता चलूँ, इसका टाइमिंग है कि टाइमिंग इसका बांधा है हमने आपको, मैं चलो आपको शेयर करता चलूँ आपके साथ। ये है डीजल पंप की गरारी, यानी कि ये हमने निशान लगाया है। निशान इसके बहुत मध्यम हो चुके थे, बड़ी मुश्किल से इसके ढूंढे हैं। ये है इसके फोर नंबर, यानी कि इसके ऊपर भी फोर लगा हुआ है। ये दो एडवांसर है, एडवांसर की ये गरारी, इसके डबल लगा हुआ है, इसके ऊपर सिंगल लगा हुआ है। ये डबल के सेंटर में आएगी। ये है नीचे बलेंसर, ये बलेंसर का निशान है ये वाला, आपको ये पेशकश बता रहा है। ये 3 नंबर है, ये भी डबल, इसके ऊपर 3 नंबर लगा, ये सेंटर के ऊपर है, ये नीचे जा रही है। अब आ जाए ये मेन गरारी है, यानी कि जो मेन शाफ्ट है इसकी क्रेन, जो सब को जो चलाती है। ये है 5 नंबर है, ये भी 5 नंबर है, यानी कि दोनों के सेंटर पे निशान मैंने इसलिए लगाए, चलो आपको अंदाज़ा हो। जो इसके जेन्युइन निशान है वो बहुत मदम है, ये देख रहे होंगे, ये पेशकश आपको ये निशानदेही कर रहा होगा। और जो ये एल पंप की गरारी है, यानी कि जो मेन शाफ्ट एल पंप को चलाती है, इस पे लगा हुआ है जी 1 का निशान, आपको नज़र आ रहा है कि एक ये निशान है, दूसरा ये निशान है, इसलिए मैंने निशानदेही साथ की है आपको दिखाने के लिए। जो एल पंप को चलाती है दूसरे बलेंसर को, पहले जो बताया एक ये बलेंसर लगा हुआ है, दूसरा ये लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है ये 2 का निशान, आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि ये देखेंगे आपको ये नज़र आ रहा है, ये निशानदेही की हुई है साथ। और हमारा यहाँ तक जो टाइमिंग है 1KZ इंजन का, ये टाइमिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल प्लेट लगाएंगे, यानी कि जिसको टाइमिंग प्लेट बोलते हैं। और दुआ में याद रखना और कमेंट करना ये टाइमिंग आपको कैसा लगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।